आप देख रहे हैं न्यूज डेली यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दो तीन ऐसे ड्रामों के बारे में बताएंगे जो आवाम में बेहद मकबूल हो रहे हैं। खुदा और मोहब्बत पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की कामयाब ड्रामा सीरीज में से एक है। खुदा और मोहब्बत का तीसरा सीजन जियो टीवी पर नशर हो रहा है और इन दिनों सबसे ज्यादा मकबूल ड्रामों में से एक है। खुदा और मोहब्बत सीजन 3 को अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने प्रोड्यूस किया है। ड्रामे में इकरा अजीज और फिरोज खान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये ड्रामा एक मेगा प्रोजेक्ट है और नाजरीन ने इस ड्रामे में जो कुछ भी देखा वो शानदार और गैर मामूली है। चाहे वो कास्ट हो, लोकेशन, मलबूसात या टाइटल ट्रैक, हर चीज को नाजरीन पसंद कर रहे हैं। कुछ शायकीन का कहना है कि इकरा अजीज ड्रामे में इससे ज्यादा बेहतर अदाकारी कर सकती हैं। इसी तरह फिरोज खान के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो एक जैसी ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिलहाल इस ड्रामे को यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। दूसरा ड्रामा हम कहां के सच्चे थे, हम टीवी का ड्रामा सीरियल है जिसे उमैरा अहमद ने लिखा है, फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया है और MD प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। ड्रामा सीरियल हम कहां के सच्चे थे की कास्ट में मायरा खान, कुबरा खान, उस्मान मुख्तार, हारून शाहिद, जैनब कयूम, हुमा नवाब और अली ताहिर शामिल हैं। मायरा खान 2016 के बाद और कुबरा खान 2 साल बाद टीवी स्क्रीन पर नजर आई हैं। ये ड्रामा एक नावल से लिया गया है। इस नावल में माशरती मसाइल, तालुकात, गलत फहमियों को दिखाया गया है। हम कहां के सच्चे थे उमैरा अहमद ने लिखा है और ये नावल असल में 1998 में शाया हुआ था। आवाम इस ड्रामे में मायरा खान की अदाकारी को पसंद कर रहे हैं। तीसरा ड्रामा लापता है और ये हम टीवी पर नशर हो रहा है। तहरीर और हिदायत खिजर इदरीस और पेशकश मोमिना दुरेद की है। ड्रामा लापता का साउंड ट्रैक फरहान जमीर ने तरतीब दिया है, किरण वसीम और तहसीन चिश्ती ने गाया है जबकि वरदा लोधी ने धुन लिखी है। आयजा खान और सारा खान दोनों अपने बेहतरीन एक्सप्रेशन की वजह से टेलीविजन में मकबूल है। चाहे वो मनफी किरदार हो या मुस्बत, दोनों ने अदाकारी में अपना लोहा मनवाया है। आयजा खान ड्रामा लापता की वजह से मकबूलियत हासिल कर रही हैं। कुछ फैन ने आयजा के इस किरदार पर इतराज किया है। आवाम का कहना है कि गेती, जो कि एक टिकटॉकर है, आयजा के लिए बिल्कुल मौजू किरदार नहीं है। कुछ लोगों को इनका ये किरदार ड्रामा दिलरुबा की हानिया आमिर के किरदार से मिलता जुलता लग रहा है। कुछ मद्दाहों ने कहा है कि वो अपने सबका ड्रामा चुपके चुपके जैसी ही अदाकारी कर रही है। दूसरी जानिब ऐसे शायकीन भी हैं जो आयजा के इस मुख्तलिफ किरदार को पसंद कर रहे हैं। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।